हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कई अरसों बाद, कई सालों बाद खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड कस्टम रूम में। बाप रे, और सच में आज बहुत मजा आने वाला कस्टम रूम, क्योंकि एक तो हम इतने समय बाद खेलने वाले हैं और दूसरा आजकल ना पहले जैसी बात नहीं रही यार। आजकल के प्लेयर्स इतना गजब खेलते हैं, जो 40 लेवल का प्लेयर है वो भी इतना गजब खेलता है कि क्या ही बताएं। पर चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आज आप लोग मेरी बाजुए देख कर समझ गए। बाजुए देख कर फ्लावर समझो क्या फायर है ये। दिस इज द मिरेकल। आज तो भाई इतने आसानी से नहीं हार सकते, तो आज हम लोग कस्टम रूम खेलने वाले हैं। 1v4 वाला मैं कस्टम रूम बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं कुछ तगड़ी सेटिंग भी लगाने वाला हूं, जिसमें और ज़्यादा मजा आएगा। सबसे पहले हम लोग रूम बना लेते हैं, रूम का नाम रखेंगे 1v4, ताकि लोगों को समझ आ जाए। वैसे लोग तो ज़बरदस्ती अपने दोस्तों को इन्वाइट कर ही लेते हैं, बट फिर भी रख लेते हैं। क्लैश स्क्वाड में अब सबसे मेन हमारी सेटिंग्स है फ्रेंडली फायर, तो फ्रेंडली फायर को मैं यस कर देता हूँ। करेक्टर स्किल को नो कर देते हैं, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि यार हम एक तो इतने लंबे टाइम बाद 1v4 खेल रहे हैं, गेम में थोड़ा तड़का डालने के लिए मैंने फ्रेंडली फायर भी ऑन कर लिया है। क्योंकि मान लो अगर कहीं पे झुंड में फाइट होगी ना, वो लोग झुंड में मुझे मारने आएंगे, तो एक दूसरे को गोली पक्का मारेंगे, जिसका एडवांटेज शायद हमको मिल जाए। वैसे उसका एडवांटेज मिले या ना मिले, पर करेक्टर स्किल का जरूर एडवांटेज मिलने वाला है। क्योंकि भाई ये लोग स्काइलर से ऐसी बैंडें बजाएंगे ना, वरना चार लोग मिलकर सबके साथ स्काइलर से पूरी ग्लोबली खा देते हैं यार, तो मौका ही नहीं मिलता। इसलिए करेक्टर स्किल ऑफ करना बहुत जरूरी है। सब लोग एडम की तरह खेलेंगे आज, फिर देखते हैं कि कौन जीता। गाइस 2v4 तो हमने बहुत बार खेला है, आज इतने लंबे समय बाद हम लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाले हैं। इस जमाने में जहां लोग वन टैप से नीचे बात नहीं करते हैं, उस जमाने में क्या हम 1v4 जीत सकते हैं? बाप रे, लेट्स सी। चलो गाइस, आखिरकार गेम तो हमारी शुरू हो गई यहां पे। क्योंकि पिछले गेम में ना ये लोग फ्रेंडली फायर का बहुत बेकार फायदा उठा रहे थे, तो मैंने कहा भाई चेंज करो इसको, गेम होना चाहिए प्योर सोलो वर्सेस स्क्वाड, तभी तो असली मजा आएगा। इस बार तो मेरे ख्याल से डेजिकल नहीं आया है। यूजी से गेम प्ले दिखाना पड़ेगा मस्त वाला। वैसे ये लोग क्या वन टैप मारे थे भाई, अपने को एडवांटेज सही मिल गया। वैसे इतना खतरनाक वन टैप मारे थे ना ये लोग, अगर नहीं भी लगेगा तो भी बॉडी डैमेज से मर जा रहे थे यार। क्योंकि चार लोग जब डेजिकल चला रहे हैं एक बंदे पे, तो बचने के चांसेस बहुत कम है। कहाँ गए तुम लोग भाई? A94 भी चला रहा है कोई? तो गई फर्स्ट ब्लड, थॉमसन मिल गया गाइस, सही हो गया। चलो देखते हैं अभी क्या होता है पहले राउंड में। कोशिश तो मैं ये करूँगा कि भाई अपनी लीड बना के चलनी है, वरना 100% हारने वाले हैं हम लोग इस गेम में। वो कहाँ गया A94 वाला? ये रह गए इस बंदे, ढूंढने में लगे हैं मैं और ये मैन को ढूंढ रहा हूँ, ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। एक तो एलिमिनेट हो गया पता नहीं कैसे। ट्रिपल किल, नाइस यार, क्या बात है। इसने अच्छा रिवाइव नहीं करा उसको, नहीं जिसको मैंने डाउन किया था शायद वो एलिमिनेट हो गया था। पर अभी भी गेम यार बहुत हार्ड है, सही बता रहा हूँ। पिछले गेम में मेरी हवा टाइट कर थी इन लोगों ने क्या खेल रहे थे ये लोग, लेकिन असली मजा नहीं आ पा रहा था उसमें, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ थे। तो फिर उससे हो ये रहा था कि 1v3 नहीं हो रहा था, 1v2 टाइप का हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, चीटिंग वाला गेम प्ले नहीं, जब असली टक्कर का मुकाबला होना है फिर टक्कर से थोड़े ऊपर लेवल का, तब आता है असली मजा। हम 1v1 करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना भाई, अपना पहला सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम जीता जाता है मैं साल का। चलो अभी देखते हैं कैसे जाता है गेम। अरे नहीं भाई, ओके तो यहाँ पे क्या भाई यार, लड़की फर्स्ट ब्लड शॉटगन भाई, डबल बैरल है। ओके तो उसके डबल बैरल तो मैंने उठा लिए, बाकी के दो बंदे कहाँ गए? इनका एक प्लेयर ना गाइस पहली एलिमिनेट हो जा रहा है पता नहीं कैसे, ये क्या कर रहा है? वॉच योर बैक, ये रहा गाइस बंदा। ट्रिपल किल, क्या बात है गाइस इनका। लेकिन एक बंदा कहाँ गया? मेरे ख्याल से गाइस उसके साथ कोई ग्लिच हो रहा है, वो एलिमिनेट हो जा रहा है। अभी एक राउंड में मैं भी एलिमिनेट हो गया था एक मैच में। चलो सही है गाइस, अभी हमको 2 पॉइंट की लीड मिल गई है, बस ये लीड मेंटेन कर पाए ना हम लोग फिर कोई दिक्कत नहीं है।
चलो देखते हैं गाइस कि क्या होता है। मैं अपना पहला सोलो स्क्वाड गेम जीतना ही चाहता हूँ गाइस किसी भी हाल में, क्योंकि साल का सोचो पहला सोलो स्क्वाड गेम और वही हम हार जाए तो मूड कितना खराब होगा। चलो पहले हील कर लेता हूँ, बैंड बजा दी उन्होंने मेरी। बाप रे, जो बंदा एलिमिनेट हो रहा था उसी ने बैंड बजा दी भाई मेरी। अभी चारों प्लेयर वापस आ गए। चलो गाइस अभी थोड़ा सीरियस होने का वक्त आ गया है, क्योंकि इन्होंने एक स्कोर कर दिया, अब ये लोग रुकेंगे नहीं। एक शॉर्ट रेंज वेपन रख लेता हूँ अपने पास और एक रख लेता हूँ मैं MP5। चलो गाइस अब सीरियस होने का वक्त आ गया, क्योंकि अगर इन्होंने एक स्कोर और करा ना फिर ये लोग लीड पकड़ लेंगे। और जहाँ से ये लोग फॉर्म में आ गए वहाँ से तो भाई मेरा जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको लीड बनानी नहीं देनी है। पहले इनकी हम एक गोली मार के छिप जा रहा है, फिर एक गोली मार के छिप जा रहा है। अभी बताता हूँ तुझे, जानते नहीं अपन कौन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। थोड़ा इसको मार लेता हूँ भाई करते हैं। जब इनकी चेन टूट जाएगी यानी कि एक के रॉन्ग होना, अरे यार भाई यही तो नहीं करना है गाइस। अगर ये लोग झुंड में आके मारेंगे ना मैं 100% हारने वाला हूँ आपसे गेम 110%। उनको झुंड को ही हमको हराना है, इनके झुंड को बस हम ब्रेक डाउन कर देना, यानी कि दो प्लेयर अगर हम उनके उड़ा देंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आराम से जीत सकते हैं। इस बार तो कुछ है ही नहीं अपने पास, था वेस्ट और ना हेलमेट, बस चले मज़े में। यार दो स्कोर हो गया इनका, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, क्योंकि अब ये लोग आ गए हैं फॉर्म में और यहाँ से मेरी जीतने के चांसेस बहुत लो होते जा रहे हैं जैसे जैसे ये लोग पास आते जा रहे हैं। ठीक है अब मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। ओके एक लड़की आई मेरे पास, क्या बात है सर, क्या बात है सर, फर्स्ट ब्लड। फटाफट जगह चेंज कर लेते हैं, लड़की को तो उड़ा दिया इस पीछे से। अरे यार कुछ लॉन्ग रेंज वेपन चाहिए मुझे उसको मारने के लिए जो ऊपर है। अरे दादा रे क्या शॉटगन चला रहा है ये बंदा, गजब खेला हुआ ये नॉट बॉट, सीधे हेडशॉट ही मार रहा है यार रेड नंबर। एक तो हेलमेट इधर अपने पास तो बचने के चांसेस जीरो। यार ये गेम अपना बहुत ही बेकार होते जा रहा है, हाथ से निकलते जा रहा है सही बताऊँ तो। तीन स्कोर हो गए इनके, अब अगर इनका फोर हो गया ना गाइस स्कोर उसके बाद तो भाई 100% मैं हारने वाला हूँ। गेम बहुत मुश्किल हो जाएगा यार वाली पोजीशन से, इसलिए अब इनको जीतने नहीं देना है। यार एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, ये बहुत दिक्कत करेगा मेरे लिए, जाकर नीचे आ जाना एक बार भाई। वो छत में चढ़ गया यार, यार ये गेम इतना हार्ड क्यों बना रहे हैं मेरे लिए। एक तो वैसे ही बंदा सोलो से स्क्वाड खेल रहा है, उसमें भी ये लोग फर्स्ट ब्लड। ये मैप में जो हमको चाहिए था यानी कि AK वो तो काम आ गई, बस ये बची है। आखिरी बंदा कहाँ गया, नाइस यार 3-3 स्कोर हो गया। ये राउंड कभी सही निकला हमारा, ये छत वाली प्लेयर यार बहुत दिक्कत करने वाली थी अपने लिए, पर अच्छा हुआ कि वो नीचे आ गई पहले टाइम पे। जब उसके बंदे मैंने डाउन किए ना वो हो गई दो बस, उसने कहा भाई नीचे ही चलो। ठीक है गाइस अभी हम लोग MP40 चलाएंगे इस राउंड में। सबसे बेकार मैप अगर मुझे लगता है तो वो है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ना सोलो भी स्क्वाड सबसे हार्ड होता है, सबसे हार्ड, क्योंकि इतनी कॉम्पैक्ट जगह यहाँ पे हम लड़ ही नहीं सकते भाई कुछ भी करके। बस यहाँ पे हमको होल्ड करनी है पोजीशन,
देखते हैं अभी ये लोग हम पे रश करेंगे फिर क्या करेंगे। बस इनके दो प्लेयर मैं डाउन कर दूँ ना फिर ये लोग मुझ पर झुंड से अटैक नहीं कर सकते। ओके एक प्लेयर शायद ऊपर से आने की सोच रहा है, नीचे किया वो तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एक बंदा पील दिया इनका। ओके बहुत ही आसानी से भाई ऊपर आती, मैंने इसको लपेट में ले लिया है। इनके पास आखिरी वो लड़की बची हुई है भाई, रिवाइव कर दिया उसने। फर्स्ट ब्लड डबल किल। भाई भी तो नहीं होने देना था यार। ट्रिपल किल। नहीं नहीं रिवाइव नहीं कर पाई वो, बहुत सही यार। वो जैसे ही रिवाइव करने आई उतने में वो डॉक हो गया। बस वो लड़की बची हुई है गाइस अब, और मेरे ख्याल से एक मिनट को थोड़ा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे हीलिंग फाइट करनी पड़े। लग तो ऐसी रहा भाई हीलिंग फाइट करनी पड़ेगी। और क्या बात है गाइस, वो डब्बा यहाँ से हट गया ना, बहुत सही हो गया क्योंकि मैं ऊपर नहीं जा पा रहा था उससे। चलो गाइस 4-3 स्कोर हो गया है और फिर से यहाँ पे हार्ड मैप आ गया है, इसलिए एक काम करता हूँ इस बार मैं फिर से कोई एक ही ले लूँ क्या फिर से। नहीं यार गड़बड़ हो सकती है, एक काम करते हैं अभी एक ही ले लेता है गाइस, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज वाला मैप आ गया ना फिर से। मुझे बस इनकी चेन ब्रेक करनी है, जैसे इनकी चेन ब्रेक होते जाएगी ना उतना आसान हो जाएगा हमारा गेम प्ले। निकलो निकलो भाई यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। चलो गाइस अब देखते हैं क्या होता है, दो बंदे बचे हुए हैं, दो बहुत ही लो हो गया था। नहीं यार अरे नहीं भाई, ये अंदर कैसे आया यार भाई। 4-4 इसको नहीं जीत सकते थे वाला राउंड, हम लोग जीता राउंड हारे भाई, कसम से जीता राउंड हारे वाला। अंदर पता नहीं कैसे घुस गया यार वो, कुछ तगड़ा वेपन लेना पड़ेगा। MP40 कास्ट में पास होती है उस वक्त एक एक की जगह भाई, क्योंकि एक ही तो काम आ ही नहीं सही बताऊँ तो पिछले राउंड में। अगर MP40 होती तो मैं वो अंदर वाले को जरूर मार देता, तो कोई बात नहीं गाइस अभी भी हमारे पास मौका है। 4-4 स्कोर हो गया, अभी भी हम जीत सकते हैं और हमको ये जीतना होगा कैसे भी, क्योंकि यार अपना पहला सोलो स्कोर में बिल्कुल भी नहीं हार सकते। अरे भाई ऑलरेडी इतना डैमेज आ गया। क्या मार रहे यार ये लोग, लड़की ने बहुत परेशान कर। ये भी गया फर्स्ट ब्लड। अच्छा वो रिवाइव कर रहा है वहां पे लड़की को, कोई बात नहीं। नहीं 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 रिवाइव करने अभी तक नहीं आया वो। डबल किल। कहाँ गया गाइस आखिरी बंदा, मेरे ख्याल से छत में चढ़ गया होगा वो। कहाँ छिपा है भाई, एक तो ये एके चला रहा है भाई मेरी एके हम पे। चलो गाइस सही है ये भी खत्म, 5-4 हो गया। बस एक पॉइंट हमको और जीतना है, अगर पिछले राउंड में मैंने लीड बना ली होती ना गाइस अभी तक तो हम जीत ही जाते आराम से, पर अभी भी हमारे पास मौका है जीतने का। इस बार भी MP40 और शॉटगन ही चलेंगे गाइस,
यही दो गन के भरोसे हमको अब गेम जीतना है, बाकी कोई भी गन ले रहा हूँ ना हमेशा हार जा रहे हैं। चलो यार फाइनली 5-4 स्कोर था मैंने यहाँ पे खींच लिया, अब देखते हैं क्या होता है। 5-5 तो बिल्कुल नहीं होने देना यार, वरना तो समझ जाओ कि हम हार गए। सबसे पहले वो लड़की को मैं टारगेट करूँगा क्योंकि हर बार यही हीरोइन बन रही है। क्या डैमेज था, क्या डैमेज था। हील कर लेता हूँ गाइस। ओ भाई 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 गड़बड़ हो गई है, ये लोग एक साथ रस करने वाले हैं डबल बैरल। देखे आ गया है गुंडा, देख तो गया। चलो गाइस दो बंदे गए, बस आखिरी लड़की बची हुई है। और यहां पे होगी हमारी शान भर दिया। क्या बात है गाइस, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इसे क्या कह सकते हैं, बहुत ही मुश्किल गेम प्ले था बट एनी हाउ हमने मेंटेन कर लिया उसको और शानदार काफ़ी मजा आ गया इस आज के सोलो स्क्वाड गेम प्ले में। काफ़ी मज़ेदार शुरुआत 26 किल के साथ, भूया क्या बात है। चलो गाइस आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी, अगर वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।